The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, talking about colitis. Colitis yani aapka colon. Colon matlab large intestine, matlab aapki badi aant. Colon, badi aant. Choti aant, small intestine. कोलोन बड़ी आंत, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत का इन्फ्लामेशन. सो यहां पर हमारी बातचीत हो रही है बड़ी आंत के बारे में. बड़ी आंत का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो दैट इज कोलाइटिस. अब क्यों होगा इन्फ्लामेशन? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके. नंबर वन रीजन फॉर कोलोन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे कारण है उसके, ज्यादातर एक से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकता है. सो द रीजन इज इन्फेक्शन. नंबर वन इज इन्फेक्शन, या तो वायरस या पैरासाइट. जी हाँ, वर्म्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं कोलोन में, अथड़ियों में वर्म्स आ जाए, पैरासाइट्स हो सकते हैं वर्म्स जैसे, और इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है. फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कर देगा. और है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBD, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस. उसमें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो एक तरीके का कोलाइटिस है. इसके अलावा अगर कोलोन में जाने वाली खून की नस ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश, तो वहां पर भी इस्चीमिक कोलाइटिस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज अ ब्लड सप्लाई बंद हो जाने के वजह से वहां पर खून नहीं जा रहा है तो डेथ होती है, जैसे हार्ट अटैक होता है. बिल्कुल जैसे हार्ट अटैक वाला कोलाइटिस, बिल्कुल वैसे हार्ट अटैक में जैसे डेथ होती है मसल्स की, इस्चिमिक कोलाइटिस में भी डेथ होती है. सो इस्चिमिक कोलाइटिस, क्रॉन्स, इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट. इसके अलावा रेडिएशन, मान लो आपने कोई ऑपरेशन कराना, कैंसर है उसके लिए रेडिएशन थेरेपी ली, उसमें आपको रेडिएशन की वजह से कोलाइटिस हो सकता है. मान लो आपको कोई नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसा खतरनाक इन्फेक्शन है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, बच्चों में होता है ऐसा, या फिर कोई कॉस्टिडियम डेफिसल जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, सुडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, अल्टीमेटली है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही. सो मोटे मोटे यही कारण है, ठीक है? या तो खून कम चला गया, या इन्फ्लामेशन प्योरली हो गया बिना किसी कारण, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, या तो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के वजह से हो गया. सिंपल, समझ गए क्या होता है कोलाइटिस? अब आती है बात कि कोलाइटिस है तो उसको कैसे ठीक करें. सिंपल सी बात है, अगर आपको कोलाइटिस हो गया है और आप करना चाहते हो ठीक, तो सबसे पहले आपको डायग्नोस करना होगा कि ये सिम्टम क्या है इसका, कि हुआ कैसे. सो सिम्टम नंबर वन इन कोलाइटिस विल बी एब्डोमिनल पेन. आपको पेट में दर्द होगा, आपको ब्लोटिंग होगी. ब्लोटिंग इन द सेंस मींस गैस होनी, पेट फूलने लगेगा. जब भी कुछ खाएंगे ऐसा लगेगा पेट फूल गया, भाई ये क्या हो रहा है, पेट इतना सा खा के पेट भर गया. जस्ट लाइक बाहर का खाना जब आप खाते हो, सो खासकर जब हम बाहर कभी खाना खाते हैं, एक दो तीन रोटी खाने से हमारा पेट भर जाता है. वो ऐसी जगहों पे खाना ऐसा बनाया जाता है जैसा कि फ्री वाला, जहाँ पे अनलिमिटेड टाइप होता है उसमें, फिर उसमें कभी कुछ डाल दें, कभी कुछ डाल दें, जैसे कि ऐसा बेकिंग, पता नहीं क्या सोडा डालते हैं, क्या डालते हैं, आई डोंट नो आइडिया, बट देन देर इज देयर ब्लोटिंग हो सकती है. तो वैसे ही ब्लोटिंग आपको हर खाने से होने लगती है, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग दैट मे बी कॉन्स्टेंट, और हो सकता है वो आए जाए, कम एंड गो जैसी हो जाए. सो ऐसा भी हो सकता है. सो देयर कैन बी ब्लडी स्टूल्स ऑल्सो. स्टूल्स यानी लैट्रीन में ब्लड आ सकता है, आपके खून आ सकता है, जो कि कोलाइटिस के वजह से, क्योंकि बेसिकली आपके कोलोन, आपके आंत, बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है. वहां पर अगर इन्फ्लामेशन होगा, जैसे कि मान लो छिल सा जाए, मान लो कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो घाव हो सकता है, ब्लड आ सकता है, सूजन आ सकती है, वैसी सारी चीजें आपके आंत के अंदर होगी. सो वहां से ऊजिंग भी हो सकती है, वहां से ऑलरेडी पानी निकलता जा सकता है. वहां पर पानी होगा तो और साथ में मूवमेंट बढ़ सकती है. जैसे ही जो आपका मोशन है, जो आपकी लैट्रिन है उसके पास आने लगेगी, शरीर क्या करेगा, फटफट फटफट एक्टिविटी करके उसको फट से निकाल देना चाहेगा, जल्दी जल्दी चल जाओ, मैं यहाँ पे रखना नहीं चाहेगा. स्लो पेरिस्टाल्टिक मोशन नहीं होगी, एकदम अर्जेंट अर्ज होगी आपको बबल मूवमेंट पास करने की, घपाघप बच जाना है. दैट इज कॉल्ड एज टेनिसमस. टेनिसमस होती है, अर्जेंट अर्ज होती है लैट्रिन जाने की, मोशन जाने की.
फिर इस वजह से लूज मोशन हो सकते हैं, कई बार लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन. तो डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिन पेन, ब्लोटिंग, ब्लड इन स्टूल्स, एंड समटाइम्स यू कैन हैव फीवर. बुखार आ सकता है माइल्ड टू मॉडरेट, फीवर हाई नहीं आएगा, बुखार आ सकता है. देन दीज आर द रीजंस विच कैन लीड टू द प्रॉब्लम. देन बात आती है डायग्नोसिस, कैसे पता करें कि ये कोलाइटिस है या ये क्या है. नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस भी बोलते हैं, कई बार लोग सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड करते हैं, बोवल गैसेस बड़ी बड़ी दिख जाती हैं. सो अल्टीमेटली क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है इसमें. आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे कि भाई आपको कब से सिम्टम है, कितना सिवियर है, पेन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खाने से रिलेटेड डायरिया है, क्या क्या ट्रैवल किया ऐसी जगह जहाँ हाइजीनिक कंडीशन ना हो, जैसे कि कोई गांव में या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पे हो सकता है आपको हाइजीनिक फूड ना मिला हो, क्या आपको कोई रीसेंट एंटीबायोटिक ले चुके हो. रीसेंट एंटीबायोटिक लेने के बाद भी कई बार रिबाउंड में आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कोलाइटिस हो सकता है. दैट कैन बी बिकॉज एंटीबायोटिक जो है नॉर्मल फ्लोरा मार देता है अंदर का, नॉर्मल फ्लोरा की जगह कोई बैक्टीरिया कोई ये आके आपका घर बना सकता है वहां पर. सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. ऑलराइट, सो डायग्नोसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड देन वी डू टेस्ट. टेस्ट में अल्ट्रासाउंड इज प्राइमरी टेस्ट, लेकिन उसमें कुछ दिखता नहीं है. अल्ट्रासाउंड में पहला टेस्ट ज्यादातर कॉमनली लोग इंडिया में तो ये करते हैं, पहले बाहर नहीं करते, बाहर के देश में सीधा एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, सीधा ट्यूब डाली जाती है लैट्रिन के रास्ते से ऊपर, क्या है अंदर सीधा देख लिया जाता है, कैंसर है, गांठ है, छाला है, अल्सर है, कुछ नहीं है, क्लियर, एक ही बार में क्लियर हो जाता है. तो कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी इज वेरी गुड एट दिस पॉइंट. उसको करने के बाद उसमें कुछ दिख जाए तो उसमें से बायोप्सी ली जा सकती है, और अगर मान लो हमको नहीं कुछ समझ आ रहा उससे तो फिर सीटी स्कैन किया जा सकता है पेट का कि पेट में कुछ और तो नहीं है, एमआरआई किया जा सकता है अगर कोई डाउट है तो, बेरियम एनीमा या स्टूल का कल्चर, बेरियम एनीमा यानी कुछ बेरियम खिला के एक्सरे किया जा सकता है, लैट्रिन का कल्चर किया जा सकता है, और कभी कभी उसको ओवा और सिस्ट मतलब ओवा पैरासाइट के अंडों के लिए भी लैट्रिन का चेकअप होता है कि पैरासाइट्स तो नहीं है, लैट्रिन में कीड़े तो नहीं निकल रहे, कीड़ों के अंडे तो नहीं निकल रहे, उसका भी चेकअप होता है, और स्टूल कल्चर में पता चलता है बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है लैट्रिन के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट वे ऑफ डायग्नोसिस दिस प्रॉब्लम. देन बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट की. टेक्निकली ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक चलेगा, पैरासाइट है तो एंटी हेलमेंथिक पैरासाइट की दवा चलती है जिसकी जात कई कभी कभी एक ही गोली खाना भी काफ़ी होता है, कभी कभी कुछ चंद गोलियां खाने से पैरासाइट मर जाता है. जी हाँ, और वायरल होगा तो फिर कुछ नहीं करना है, और इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है तो फिर लंबा ट्रीटमेंट होता है आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला. और लाइक आई सेड, क्योंकि कारण वेरी करेगा तो ट्रीटमेंट वेरी करेगा तो प्रोग्नोसिस वेरी करेगा, तो आपको कितना आराम होगा ये वेरी करेगा. पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अगर आप अल्सर्स है या ज़्यादा इन्फ्लामेशन है तो ब्लीडिंग हो सकती है, यू कैन हैव ब्लीडिंग, यू कैन हैव सम और दी अदर, कभी कभी परफोरेशन भी हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में. परफोरेशन ऑफ योर इंटेस्टाइन इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉक्सिक मेगा कोलोन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. टॉक्सिक मेगा कोलोन मीन्स कभी कभी आपके कोलोन यानी बड़ी आंत के एक हिस्से में बस हवा भरती जाती है और एक तरीके से वो गैस भरती जाती है, और वहां पर उसको ब्लड सप्लाई कम होने लग जाता है बेसिकली, और वो एक टॉक्सिक एरिया बन जाता है जो मरने लगे, नेक्रोटिक बनने लगे, तो टॉक्सिक मेगा कोलोन जैसे बनाया जाता है, बहुत बड़ा, फिर कोलोन काटना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट, जरूरत पड़ सकती है. फिर अल्सर्स हो सकते हैं पेट के अंदर, दैट आई सेड ऑलरेडी. सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. तो अगर कहीं आपको पेट में ब्लोटिंग होती है, किसी भी प्रकार की दर्द होता है, या लैट्रिन में, सबसे इंपॉर्टेंट, लैट्रिन में स्टूल में खून आ गया या पेट फूलने लगा, तो फिर या ऐसी कोई डायरिया वॉमिटिंग है जो जा नहीं रही, तो फिर आपको कोलाइटिस के लिए जांच करानी होगी. कोलाइटिस के लिए लाइक आई सेड डॉक्टर जांच करते हैं आपके लिए. सबसे बेसिक अगर आप अपने लेवल पे कराना चाहो तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या फिर स्टूल का कल्चर करा सकते हैं, स्टूल का कल्चर या स्टूल फॉर ओवा सिस्ट चेक कर सकते हैं, और लैट्रिन को खुद भी ज़रा देखिया करो, कहीं उसमें वैसे ही तैरते तूरते तुमको कीड़े दिख जाएँ, क्या बोलते हैं इसको, वर्म्स दिख जाएं, तो क्लियर हो जाएगा, वर्म्स ही हैं, तो फिर ज़्यादा इतना
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्म्स की गोली खिला देंगे ठीक हो जाएंगे। वैसे ही एक आधी गोली ट्राई करके देख सकते हैं, वो आपके डॉक्टर से पूछ के डिवर्मिंग आपके पर्टिकुलर एज के हिसाब से डोज दिया जाएगा। सो दैट इज देयर फॉर कोलाइटिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। समझ आई बात, नहीं समझ आई तो फिर देख लो, नहीं और समझ आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, ऐसे वीडियो देखते रहना है, सर्च करना है डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।